आपको इन गुफाओं के अंदर बुद्ध भगवान के जीवन की सारे जो चक्र थे वो देखने को मिलेंगे। इस गुफा के नजदीक आएंगे तो यहाँ का जो सबसे आकर्षित कर देने वाला जो स्तूप बना हुआ है, इसको पूरे पहाड़ को ही कट करके बनाया गया है। ये उनके बैठने का या कुछ लिखने का स्थान रहा होगा। ये गुफा इसलिए सबसे ज्यादा खास बन जाती है क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई गहराई है वो 44x61 है। यहाँ पर 2-9 फीट ऊंचे बड़े बड़े प्रतिमाएं जिनको बोला जाता है बोधिसत्व। हल्की सी आवाज भी हमारी यहाँ पर इको क्रिएट कर रही है, गूंज रही है। पानी का एक बहुत बड़ा एक टांका सा बना रखा है जिसमें पानी की स्टोरेज करके रखी गई है। सभी गुफाओं को पहाड़ को काट के बनाया गया है। 11 नंबर को देखने के बाद में जब हम अपने कदम आगे की कर्मावत तरीके की गुफाओं में देखते हैं 12, 13, 14 में, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ विशेष तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये ज़रूर मालूम पड़ेगा कि ये जो पहाड़ रहा होगा तकरीबन यहाँ तक रहा होगा और इसको इतनी डेप्थ तक इन्होंने कट किया और उसके बाद में अपने बैठने का स्थान या फिर सोने का जो स्थान है वो उन बौद्ध भिक्षुकों ने यहाँ पर बनाया था। तो आगे वाली कुछ गुफाएँ जो बहुत प्रमुख है और हर पॉइंट गुफाओं के पास में ही पानी की एक टंकी या फिर पानी के छोटे बड़े जो पौंड होते हैं कुएं होते हैं वो बना रखे हैं ताकि पानी की व्यवस्था यहाँ पर होती रहे। आपको इन गुफाओं के अंदर बुद्ध भगवान के जीवन की सारे जो चक्र थे वो देखने को मिलेंगे। 15 नंबर की गुफा के अंदर देख सकते हैं कि बुद्ध भगवान और उनके आसपास अलग अलग देवी देवताओं को दिखाया गया है, अलग अलग मुद्राओं में बैठे हैं यहाँ पर, और उस समय की जो भी पूरी दिनचर्या थी उनको यहाँ पर दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। अब हम पहुंच चुके दोस्तों यहाँ के सबसे खूबसूरत नंबर गुफा 18 के अंदर, और यहाँ पे जब बाहर के नज़ारे को देखेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर हिंदू और इसी के साथ में ग्रीक पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलोअप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों आप इस गुफा के नज़दीक आएंगे तो यहाँ का जो सबसे आकर्षित कर देने वाला जो स्तूप बना हुआ है इसे बोलते हैं दोस्तों चैतन्य स्थान, यानी कि जहाँ पर बैठकर वे सब लोग प्रार्थना किया करते थे। और बौद्ध धर्म के अंदर चैतन्य एक ऐसा स्थान होता है जिसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जो कि पूजा पाठ करने के लिए और ध्यान करने के मुख्य स्थान होता है। यहाँ पर आप इस स्तूप को देख सकते हैं दोस्तों, ये तकरीबन आपका 12 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है, 5.5 से 6 फीट चौड़ा ये डायमीटर में बना हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसको पूरे पहाड़ को ही कट करके बनाया गया है। ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि पहाड़ को काट कर बनाया गया ये वाला स्थान है। यहाँ पर कुछ लिपि आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, सामने की तरफ लिखी हुई इस लिपि को पढ़ने के बाद ही मालूम हुआ था कि इसका जो दान है वो सेना नायक अगियत नाका की पत्नी भत्पलिका ने किया था। और ये जो चैत्य ग्रह होता है दोस्तों, इसकी जो लेंथ की यदि हम बात करते हैं तो काफ़ी लेंथ में और ऊंचाई में ये बना हुआ है, और ओवरऑल मिलाकर इसका जो साइज़ मेजरिंग किया गया है दोस्तों वो 21 फीट तो वाइड है और 38 फीट ये डीप बना हुआ है। सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक यहाँ का ये स्थान और बुद्ध भगवान को समर्पित यहाँ का चैत्य ग्रह, जो कि मोनोलिथ एक सिंगल पहाड़ को कट करके बनाया गया, कुछ अलग से नहीं लेकर आया गया दोस्तों यहाँ पे स्टोन, ये सारे जो पिलर यहाँ बने हुए हैं वो भी उस पहाड़ को तराश कर ही बनाए गए हैं। एक एक करके सभी गुफाओं को देखने के बाद में अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 17 को देखने के लिए, जिसके मुख्य द्वार पे 4 आपको बड़े बड़े पिलर और वही ऊपर वाले हिस्से में यदि आप देखते हैं तो आपको हाथी और उसके ऊपर बैठे हुए यहाँ के सैनिक वगैरह का जो व्यू है वो कैप्चर करने का मौका मिलेगा। दीवार के मुख्य भाग पे आपको सामने की तरफ में कुछ अभिलेख देखने को मिलेगा, और इन अभिलेखों से मालूम पड़ता है कि गुफा नंबर 11, 12, 17, 19, 22, 23 और 24 इनको शिवमित्र का लड़का लेखक रामनाक, वेलीदत्त व्यापारी का पुत्र रामनाक, यवन देश का इंद्रग्नि दत्त, सातवाहन कृष्ण राजा का धर्माधिकारी, तापसी नामक विखुणी, धनमा नाम का किसान और दमिश्क के धमाचिका दूधिका, इन सब ने वासिष्ठि पुत्र सीरी पुलुमाई के राज्याभिषेक के दूसरे साल में इन सभी गुफाओं को दान में दिया था। और दोस्तों अंदर वाले हिस्से में हम देख सकते हैं कि ये उनके बैठने का या कुछ लिखने का स्थान रहा होगा, उनके पढ़ाई का स्थान ये रहा होगा। इधर वाले हिस्से में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े पिलर के ऊपर ये जो पहाड़ है वो आज भी जो कि जो खड़े हैं, सामने की तरफ
गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा स्टैंडिंग पोज में बनी है। सामने सोने का स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। दूसरा कमरा, ज्यादा बड़े बड़े कमरे नहीं, छोटे छोटे कमरे हैं। सो दोस्तों इससे ना ये पता लगता है हमें कि ये पूरा जो स्थान है ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के वक्त में उन भिक्षुकों के लिए अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग देश के लोगों ने इनको ये दान में दिए हुए स्थान में शामिल है। अब आ गए हैं दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी गुफा को देखने के लिए नंबर 20 में, जिसका निर्माण यहाँ पर पत्नी वसु और उनके जो पति थे, सेनापति जो थे, भव गोपा के द्वारा इस गुफा को दान में दिया गया था। और दोस्तों ये गुफा इसलिए सबसे ज़्यादा खास बन जाती है क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, गहराई है, वो 44x61 है। और आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों सामने की तरफ, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो कमरे कक्ष के बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बौद्ध भिक्षुकों के लिए बने हुए कक्ष कमरे हैं। एक दिशा में 8 आपको देखने को मिल रहे हैं और 44x61 लेंथ और विड्थ का बना हुआ यहाँ का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा स्थान। और इसी के साथ में आपको इन पिलर के पिछले भाग में देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 9 फीट ऊंचे बड़े बड़े प्रतिमाएँ, जिनको बोला जाता है बोधिस्तव, पद्म पाणी और वज्रपाणी। अब आप इनको ध्यान से देखिए भाई, ये मुख्य एंट्री गेट पे तकरीबन 9 फीट ऊंची बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा 10 फीट ऊंचाई की बनी हुई है। और ये जो इनकी मुद्रा है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए गौतम बुद्ध, बहुत सुंदर प्रतिमा। और ये पूरा जो कक्ष है ना दोस्तों, ये यहाँ के सेनापति भव गोपा ने दान में दिया था। ये देखेंगे आप, मगरमच्छ के मुख से निकलता हुआ एक अवतार दिखाई दे रहा है आपको। सो ये था दोस्तों आज से तकरीबन 2100 वर्ष पुरानी एक आर्किटेक्चर, और इस आर्ट को आज हम इन बौद्ध गुफाओं के अंदर, पांडुलेनी के अंदर देख पा रहे हैं। हल्की सी आवाज़ भी हमारी यहाँ पर इको क्रिएट कर रही है, गूंज रही है। और दोस्तों ये इन गुफाओं का सबसे बड़ा भाग है, इस गुफा को आप ज़रूर देखिएगा। प्राचीन इंडो ग्रीक शैली को दिखाती यहाँ की सभी गुफाओं में से, अब दोस्तों हमारे कदम बढ़ रहे हैं यहाँ पर 21, 22 और आगे की गुफाओं की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 नंबर की गुफा, जो कि एक ज़्यादा अद्भुत तो नहीं कहेंगे लेकिन एक पहाड़ को काट कर एक कमरे के रूप में हमें ज़रूर दिखाई मालूम पड़ती है। इसके बाद वाले कक्ष कमरों में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे पहाड़ों को देख सकते हैं भाई आप, काले रंग के पहाड़ों के यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र वाले इस हिस्से में। और ये जो पूरा रास्ता बना हुआ है, इसी में एक गुफा 22 नंबर की बनी हुई है, आप देखेंगे एक बार तो पानी का एक बहुत बड़ा एक टांका सा बना रखा है जिसमें पानी की स्टोरेज करके रखी गई है। और ये देखेंगे भाई आप, ये है दोस्तों आपकी मुख्य गुफाओं की मूर्ति कला। यहाँ पर आपको इन मूर्ति कलाओं के अंदर है ना, बहुत सारी बुद्ध भगवान की अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो देखने का मौका मिलेगा। और बाहर के पूरे इस आवरण को पहले हम मूर्ति कलाओं को देखते हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं भाई, ये धर्म प्रवर्तन चक्र प्रतिमा बैठे हुए गौतम बुद्ध, सेम एज भाई ध्यान मुद्रा में, अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी, सेम एज यहाँ पर आप देखिए। तो दोस्तों इन सभी प्रतिमाओं को जब आप देखेंगे ना, तो आप बस ये समझ पाएंगे कि वो जो समय था वो गौतम बुद्ध को समर्पित समय, उसमें उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, उसमें की शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। इस प्रकार से आप बस इन पूरी गुफाओं के अंदर देख सकते हैं। तो ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य दिखाए गए हैं यहाँ पे, उन्हीं के साथ में अलग अलग मुद्राओं में। यहाँ पर लेटी हुई गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर प्रतिमा आप देख सकते हैं भाई, कितने सुंदर प्रतिमा आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ की जो अंतिम गुफा है, जिसको गुफा नंबर 24 बोला जाता है, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ हम इस गुफा के अंदर वाले भाग को देख पा रहे हैं भाई। ये देखिए क्या गजब का नज़ारा, क्या गजब का व्यू। तो इन सभी प्रतिमाओं को देखने में बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, इस स्थान को ज़रूर आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।